हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक लिमिटेड संघ हनुमानगढ़ सरस डेयरी के शीर्ष संघ आर्ट सिटी के निर्देशन पर दिवाली सहित अन्य त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता से भरपूर मिठाइयों की सौगात जनता को दी गई। सरस डेयरी के प्रबंधक संचालक उग्रसेन सहारण ने बताया कि सरस शुद्धता का दूसरा नाम है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता के साथ साथ मिठाइयों की मैप पैकिंग भी शुरू की है, जिससे कि उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहे। सरस घी के संबंध में जानकारी देते हुए सहारण ने बताया, सरस घी पर QR कोड है जिसे स्कैन कर असली या नकली घी की पहचान ग्राहक या जनता द्वारा की जा सकती है। इसके साथ सरस ने मोबाइल लैब की सेवा भी ग्राहक के लिए शुरू की, जिससे ग्राहक अपनी दूध की जांच निःशुल्क लैब के माध्यम से करवा सकता है। मोबाइल लैब में मोबाइल पार्लर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ग्राहक को सभी खाने पीने की मिठाई संबंधी प्रोडक्ट उपलब्ध मिलेंगे। सरस डेयरी के मार्केटिंग इंचार्ज लीलाधर वर्मा ने बताया, बीकानेर संघ का हनुमानगढ़ संघ के कुल 7 से 8 शुद्ध मिठाई के प्रोडक्ट के बाजारों में जनता के लिए उतारा गया, जिसमें केसर, पेड़ा, इलायची, बर्फी, राजभोग, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, मावा, स्पेशल प्रोडक्ट खीर भी शामिल है। आइए विस्तार से जानते हैं दिवाली जैसे बड़े पर्व को लेकर क्या जानकारी साझा की सरस डेयरी के प्रबंध संचालक उग्रसेन सहारण ने। लॉन्च नए किए गए हैं और दीपावली का त्यौहार है, तो किस तरह के प्रोडक्ट हैं और क्या क्वालिटी है? अभी इस त्योहारी सीजन में हमारे शेष कार्यालय RCDF द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार उपभोक्ताओं तक सरस की शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध कराने का हमारा विशेष जिम्मा है। और इसी के अंतर्गत हमने जो सरस के बूथ हैं, इसके अतिरिक्त 15 एक्सक्लूसिव आउटलेट जो है मिठाइयों के लिए प्रारंभ किए हैं, ताकि आम उपभोक्ता को सरस की शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में इस संघ के मावा, पेड़ा, बर्फी ये नए प्रोडक्ट थे हमारे जो हमने लॉन्च किए। इसमें हमने मैप पैकिंग स्टार्ट करी है, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है लगभग 20 दिन होती है, तो आम जो रिटेलर है वो इसको लंबे टाइम तक रख के बेच सकता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकता है। क्वालिटी में क्या गारंटी? ये सरस तो अपने आप में शुद्धता का प्रतीक है, और शुद्ध जो मावा सरस दूध से हम तैयार करते हैं, उससे ये मिठाइयाँ हम तैयार करते हैं। इसके अलावा सरस की अन्य जो मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, ये सब भी इन आउटलेट्स पे उपलब्ध होंगी। तो दीपावली पर्व पे सर आप आमजन को क्या कहेंगे? आमजन को हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, आजकल मिलावट का जो दौर है, इसके अंदर आपको बहुत जागरूक होना है, और जागरूकता में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो खाने खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध हैं और कौन से मिलावटी हैं। अभी पीछे जो है घी के अंदर काफ़ी मिलावट की शिकायतें बाजार से मिली थी, तो इस क्रम में हमारे फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि QR कोड जो है वो हर घी के पैक पे लगाया जाए, तो अब आप उसमें स्कैन करके उपभोक्ता जान सकता है कि ये असली है या नकली है। और अब इसके साथ एक स्कीम भी जो है उपभोक्ताओं के लिए शामिल की गई है कि QR कोड स्कैन करने से 200 उपभोक्ता जो है इनको 5,000 रुपये तक इनामी राशि भी दी जाएगी, ताकि वो QR कोड की वैल्यू समझे और उस पर जो है जागरूकता थोड़ी बढ़े ग्राहकों की। दीपावली पर्व पे इलाकावासियों को आप शुभकामनाएं? हाँ, हमारे संघ की तरफ से और हमारे लाखों जो दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से मैं सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनके अच्छे भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। सर, एक आपके द्वारा मोबाइल वैन भी शुरू की गई है सरस डेयरी की तरफ से, उसमें क्या है, किस तरह की उसमें जाँच वगैरह की जाती है या क्या चीज़ है? ये जो मोबाइल लैब हमने स्टार्ट करी है, इसमें आम उपभोक्ता दूध की जांच निशुल्क करवा सकता है, और ये मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है। और इसके अंदर हमने एक मोबाइल पार्लर भी है, जिसमें सब सरस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उपलब्ध होंगे बिक्री के लिए, और कुछ डिजिटल डिस्प्ले भी उसके अंदर है, जिसके अंदर आम उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए हम उसमें कुछ शॉर्ट रील्स दिखाएंगे और सरस के विज्ञापन भी उसमें होंगे। तो क्या इसका कोई चार्जेस होता है? टेस्टिंग का नहीं, ये निःशुल्क आम उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए हम चला रहे हैं।